नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल गणित और जीएस में। दोस्तों, हम दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। प्रश्नों के द्वारा हम भारतीय संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा यह बताता। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ये बता, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का अंग्रेजी। दोस्तों, इसका जिक्र संविधान में है। संविधान में जिक्र है, जिसका जिक्र संविधान में होता है वो संवैधानिक निकाय या संवैधानिक यूनिट या संवैधानिक बॉडी बन जाती है, जिसका जिक्र संविधान में होता है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का जिक्र संविधान में है, कहाँ पे है? आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में हम इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर और उनके पावर का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, और प्रश्न इससे जुड़ा देख लेते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? पदावधि यानी कितने समय तक रहता है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? पदावधि क्या है दोस्तों, बताएं? पदावधि क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 5 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, पहले प्राप्त हो। यानी यदि पहले 65 साल के हो गए, भले साल भर का कार्यकाल हुआ हो, रिटायर हो जाए। समझ रहे दोस्तों? दोस्तों, और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसी लगे हाथ। दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, और दो और मेंबर रहते हैं जी, सदस्य जो रहेंगे उनका क्या नाम रहेगा दोस्तों? जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त है तो यानी ये हैं चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त ये होंगे, एक चुनाव आयुक्त ये होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, शुरू में संविधान कहता था कि एक ही होगा, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त। मगर 1989 से 1989 और फिर बाद में 1993 से इसमें दो सदस्य और बढ़ा दिए गए, दो सदस्य। सर्वप्रथम 1989 से 1989 से 90 तक दो सदस्यों बढ़ा दिए गए थे कार्यभार देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो
तो दो चुनाव आयुक्त तो बना दिए गए थे, मगर 1993 से अब तक, फिर बीच में हट भी गए थे 2-3 साल के लिए, मगर 1993 से अब तक 3 सदस्यीय हो गई है। तीन तीन लोग हैं इसमें, तीन लोग, एक मुख्य और दो सिर्फ चुनाव आयुक्त, ठीक है ना दोस्तों। 3 सदस्यीय हो गई 1989 में सर्वप्रथम, 1993 से तो अब चली रही है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।